हाय गाइस, तो आप हम लोग जा रहे हैं कौथिक, यानी कि हाँ गढ़वाली फेस्टिवल चल रहा है, नज़दीक में ही है, वहीं जा रहे हैं। तो बस फटाफट जाते हैं और फटाफट आते हैं, हो सकेगा तो शूट करूँगे। तो चलिए, लेट हो रहा है, सारे लोग वेट कर रहे हैं मुझे। From up here. शहद, आंवला, कैंडी, अभी दाल 180 रुपए किलो, ये भी 160 रुपए किलो, 80 रुपए तक भैया। की वाली ये राजमा, राजमा है, 200 रुपए किलो है। उड़द, अरे छनी हुए गए क्या? उड़द कितने का पैकेट? 80 रुपए का भैया, ये 60 रुपए का। उड़द क्या ये चाहिए हमें? ये जख्या 50 रुपए ले लो यार, 200 ग्राम जख्या लेना यार। ठीक है, हाय गाइस। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज हैं हमारे पहाड़ की, हमारे उत्तराखंड की। यहाँ देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से गुलवंत है, आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यार, बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वही मैं देख रही थी, कितने सुंदर सुंदर अलग अलग यूनिक यूनिक से डिज़ाइन थे उनके पास, और साथ ही नथुली के भी थे। और ये देखिए, ये जो रेड कलर के जो मोटी मोटी बीट्स वाले, ये भी एक तरीके के वेशभूषा होती है, वो भी थी। और साथ ही स्टेज में परफॉर्मेंस भी चल रही थी हमारे गढ़वाल से रिलेटेड, माधव सिंह भंडारी जी की कहानी वहाँ पे सुनाई जा रही थी, दिखाई जा रही थी। तो वही सब हम लोगों ने काफ़ी देर तक देखा और काफ़ी भीड़ भी थी, तो वो काफ़ी मज़ा आया। अपने पहाड़ की याद ना, और गाने जब बज जाते हैं हमारे गढ़वाल के, तो बस मतलब मन करता है कि नाच जाओ बस यहीं। तो बस यही था, और बस ये देखो फिर से मैं पहुंच गई गुरुवन की दुकान में और देखने लगी कितने सारे हैं, कितने अलग अलग टाइप के हैं। तो वही सब था, हम लेडीज़ हैं ना, और कहीं मिले ना मिले, इन दुकानों में तो ज़रूर मिल जाएंगी। तो बस, और यहाँ पर मैं इनको थोड़ी एक टोपी दिखा रही थी, मैं इनका पहन के देखो, थोड़ा गढ़वाली टोपी अच्छी लगती है ना हमारे पहाड़ की। तो ये देख भी रहे थे, बट थोड़ा साइज़ का इशू था, तो जिसकी वजह से वो ले नहीं पाए। यहाँ पर खाने के स्टॉल्स लगे हुए बहुत सारे, देखो चारों तरफ खाना ही खाना है हमारे पहाड़ का, उस तरफ भी और उस तरफ भी। पहाड़ी मोमोज, चलो टीवी से अलग क्यों हो गए सब। हाय गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं और मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, और चलिए आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए हैं। बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी हमारे गढ़वाल की, और मतलब बहुत अच्छा लगता है ना कि अपने यहाँ की सारी चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें, सब्जियों से लेकर हरी सब्जी तक मिल रही थी, बताओ। तो सारी चीज़ें मिल रही थी, तो जो जो चाहिए था हमने ले लिया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। तो हम लोग जो कौथिक हुआ था, गढ़वाली कौथिक, वहाँ गए थे, तो वहाँ से इतना सारा सामान लेके आए हैं, तो दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। तो ये मैंने अभी जस्ट सैनिटाइज किया। तो ये हम लाए हैं अरसे, अरे यार खुल जा मेरी माँ, ये देखिए, ये देखिए अरसे, जो कि हमारे उत्तराखंड की जान है, शान है। तो ये अरसे हम लेके आए हैं, साथ में ये रहा, और ये हम
वहाँ की अगरबत्ती लाए हैं, बहुत अच्छी खुशबू की है। हाँ, तो ये बहुत ही खुशबू, अच्छी धूप है, धूप लाए हैं मंदिर के लिए। और कुछ ये माल्टे लाए हैं एज यूजुअल, इनको माल्टे बहुत पसंद है तो वो हम कल खाएंगे, तो माल्टे। और साथ ही हम कुछ दालें लेके आए हैं, जो कि ये अलसी लाए हैं, अलसी ये है, ये उस मक्की का आटा है, ये लाई हूँ मैं। और गिर गए, ये है चखिया, मेरा ख़त्म हो रहा था चखिया, चखिया लाई हूँ, ये रहा। और ये घरे दाल मिक्स खाने के लिए अच्छी लगती है मुझे ये वाली दाल, तो मैं एक घरे दाल आई, वैसे तो घर की दाल है मेरे पास, बट ये वाली मैंने ले ली थी। बस ये सब हम लेके आए ढेर सारा सामान, और चलिए अब चाय पीते हैं, चाय के साथ खाएंगे अब अच्छी। और इस टाइप की चंपा वाली पत्ती भी लेके आए, ये भी बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू मैंने सूंघी ना बहुत ही अच्छी थी, तो ये एक ऑफिस के लिए लेके आए, मेरे लिए लेके आए, हम मैं लेके आई हूँ अपने मंदिर में। Hi guys, once again welcome to our channel. तो वैसे तो आज क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस टू ऑल माई फ्रेंड। तो आज मतलब ऐसे ही रह गया हमारा, जैसे कि आपको बताया मैंने कि हम लोग कौथिक गए थे, जो मेला होता है गढ़वाली मेला, हमारे वहाँ गए थे, तो वहाँ से आए और अब थक गए, चाय वाय पी ली, तो सोचा शायद एक सबसे झटपट बनने वाला केक बनाते हैं, तो सबसे आसान तरीके से घर पर केक कैसे बनाते हैं, जब कुछ समझ में ना आया ना तो अब ये वाला केक ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। अरे रिहू केक खा रहा है? हाँ, मुझे केक का केक। अरे बनेगा अब, खाना है? हाँ खाना है, सब खुश हो गए। तो चलिए, बहुत ही कम समय में बनने वाला और सुपर टेस्टी केक, चलो। तो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर बर्बन बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी क्रीम वाले बिस्किट ले सकते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए हमें किसी भी तरीके का ऑयल, किसी भी तरीके का मतलब घी वगैरह नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बिस्किट चाहिए, वो भी क्रीम वाले। तो आप कोई भी अपनी पसंद की क्रीम वाले बिस्किट ले सकते हैं। तो मैंने ये इसमें डाल लिया, अब हम इसे अच्छे से बारीक से पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने बिस्किट को अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हो इस टाइप से हो जाएगा ये, देखिए। अब हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए इसमें, सिर्फ दूध चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसको साइड रखेंगे और एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो ये देखिए, इस टाइप का टिफ़िन है मेरा, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बेक करने के लिए। अब क्या करना है, इसे घी से ग्रीस कर लेंगे या फिर बटर से ग्रीस कर सकते हो, जो भी आपके पास है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसे ग्रीस करेंगे, तो अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इस पर बटर पेपर लगा लें और उससे भी आपका काम होगा। बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा छिड़क सकते हो, डस्ट कर सकते हो, मेरे पास वो भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास दोनों ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं एक जुगाड़ अपनाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले घी ले लेते हैं और घी को इस टिन में ऐसे फैला लेते हैं, ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में अभी एट अ टाइम मैदा नहीं है, तो वो इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है बर्तन पे, बहुत सिंपल टेक्निक है, ये देखो हो गया। अब क्या लेना है, अब बच्चे घर में रहते हैं तो इस टाइप की A4 साइज की शीट हमारे घर में, सबके घर में रहती ही है, तो इसे ऐसे फोल्ड करेंगे चार फोल्ड में, एक और फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए। अब इस टिन को उल्टा करेंगे, क्योंकि वो तो, और इसके सेंटर से इस पर मार्क करते हुए कट कर लेंगे, कट हो गया। अब इसे खोल लेते हैं, ये देखिए। अब हम इसके सेंटर पे इस पेपर को ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि घी तो हमने ऑलरेडी लगा रखा है, अब हम थोड़ा सा घी इस पेपर के ऊपर भी लगा लेंगे, देखिए। तो बन गया हमारा होममेड बटर पेपर, है ना। तो ऐसे हम कई चीज़ें घर पे नहीं होती है, हम सोचते नहीं यार नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, सब हो जाता है, ये देखिए। तो हमारा टीन मतलब
डस्ट होके रेडी है और बटर पेपर भी हमारे पास रेडी है। तो इस टाइप से आप भी कर सकते हो। तो टीन हो गया हमारा रेडी, इसको साइड रखेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने किनारे पे भी एक पेपर कट करके ऐसे चिपका लिया है। अब जब हम इसमें बैटर पोर करेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो बैटर बनाने से पहले हम जिस बर्तन में केक बनाने वाले हैं, क्योंकि ओवन तो हमारे पास है नहीं, तो हम जिस भी बर्तन में केक बनाने वाले हैं उसे प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट मतलब थोड़ी देर पहले थोड़ा गर्म करेंगे उसको, उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो पतीला लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा वो पतीला, ये रहा पतीला। अब इसका गैस ऑन करने से पहले हमने क्या करना है, इसके तले पे हमने डाल देना है नमक। यहाँ नमक डाल देंगे, नमक डाल देते हैं। ये नमक आप बार बार बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ओके, तो नमक डाल लिया है हमने, इवनली चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब इस नमक को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, यानी कि जब भी आपको केक बनाना हो इस पे यूज़ कर लिया। अब गैस ऑन कर दिया मैंने और मीडियम पे रख देंगे गैस को। अब हमें इसके ऊपर ऐसी कोई बर्तन रखना है जिसके ऊपर आप अपना टीन जो केक का टिन है वो रख सके, क्योंकि डायरेक्ट हमें केक ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है। तो कोई ऐसा कटोरी या कोई ऐसा बर्तन, जैसे मेरे पास ये कटोरी है तो मैं इसे ऐसे उल्टा करके ऐसे रख दूँगी। अब इसे प्री हीट करने के लिए रहने देते हैं। तो अभी इसे कम से कम 10 मिनट तक हम प्री हीट होने देंगे, उसके बाद हम तब तक हम बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो बिस्किट है वो पीसे हुए वो रख दिए हैं, केक टिन रेडी है। अब दूध ले लिया मैंने एक कटोरी, तो इस कटोरी दूध से मेज़र करके ले लिया है। आप भी कोई भी एक कटोरी मेज़र कर लें और उसी से आप दूध ले लें। अब हमने करना क्या है, थोड़ा 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 करके इसमें दूध ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। पूरा दूध एक साथ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके। और जो कई बिस्किट में गुठलियाँ हों वो भी इसमें मेल्ट हो जाएंगी। दो मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे जिससे कि ना छोटी जो गुठलियाँ हों वो भी इसमें अच्छे से घुलते। ये देखिए दूध भी हो गया है खत्म। देखिए इस टाइप से बैटर हमारा रेडी रहना चाहिए। अब आखिर में हमने क्या करना है, इसमें डालना है तो इनो। आप कोई भी फ्लेवर, मतलब फ्लेवर इसमें मेरे को यही वाला मिला फ्रूट सॉल्ट, तो मैं ये वाला डाल रही हूँ। अब इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। आप देख रहे होंगे ना इसमें से बबल्स बन रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी टाइप से बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देखो इसे कैसा हो गया, ये देखिए। और इसमें से एक बबल्स, आप ये देखिए बबल्स बन रहे हैं। तो फिर बस बैटर रेडी है। अब हम इसे पोर कर देंगे उस बर्तन में जिसमें हमने केक बनाना है। दो तीन बार अच्छे से टैप करेंगे, एयर बबल नहीं होने चाहिए बिल्कुल। ये देखिए बस, अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो चलिए बेक करने के लिए रख देते हैं। पतीला भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब इसे बहुत ध्यान से बीचों बीच में रख देना है। बस अब लिड ऑन कर लेंगे और इसे 30 मिनट तक धीमी आंच में, मतलब जितना कम हो सके आपका गैस उतना कम करके छोड़ देना है। 30 मिनट बाद हम चेक, तो काफ़ी देर हो गई है और अब हम चेक कर लेते हैं बिकॉज बहुत देर हो गई है। ये देखिए देखो चम्मच बिल्कुल क्लीन आ रहा है। तो हमारा केक रेडी है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। निकालने के लिए बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा गर्म है ये देखो, देख रहे हो। अब इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे। तो
अब मैंने ये डार्क चॉकलेट कॉम्पैक्ट ले लिया है और अब मैं इसमें से चॉकलेट निकाल लूँगी। ये देखिए इस टाइप से मैंने डाल लिए। अब हमने इस तरफ एक पतीले में पानी बॉईल किया है, अब हम इसे डबल बॉयलर मेथड से पिघलाएंगे और एक ग्नाश बना के रेडी करेंगे। तो चॉकलेट ग्नाश हमें बनाना है। अब इसके ऊपर ऐसे रख देंगे ताकि ये भाप से ये पिघल जाए। सॉरी, तो ये भाप से ये चॉकलेट पिघल जाए। ये देखिए, तो जब तक क्रैश बनता है तब तक हम इस केक को डिमोल्ड कर लेंगे। हाँ बेटा, देखिए बट बिना बटर पेपर के भी इतनी आसानी से केक बन सकता है। मम्मा जी, मुझे दिखाओ ना केक। दिखा रही हूँ बेटू, देखो मेरा। हिलाओ, रुको। हैप्पी बर्थडे मेरा, हैप्पी बर्थडे बीहू का, हैप्पी बर्थडे बीहू का, हैप्पी बर्थडे। आप देख सकते हो कितना स्पंजी केक बना है। ये देखिए मेरा हैप्पी बर्थडे बीहू, मुझे छूने भी नहीं दे रहा। ये देखो कितने, आप देख के बता सकते हो कितना फ्लफी केक बना है। ये देखो, तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने ये चॉकलेट को पिघला लिया है। डाल रहे हूँ, देखो ना। और उसके बाद इसको हम ऐसे केक के ऊपर लगा लेंगे। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची? ये तो बर्थडे लग रहा है। बर्थडे लग रहा है? अच्छा, रुको, मम्मी को पहले बनाने तो दो। घोड़े बन गया। घोड़े? घोड़े नहीं जी, तो टाइगर बन गया जी। तो ये देखिए, तो इस टाइप से मैं सिर्फ ऊपर लगा रही हूँ। और मेरे पास कुछ इस टाइप की वो पड़ी हुई है, क्या बोलते हैं, शुगर बॉल। नहीं, डोंट टच ना। ये देखिए इस टाइप से हम ये ऐसे मम्मा डालो डालो। अरे वाह, देखो, नहीं 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 इसको डालना है। अच्छा, डालना है। तो इस टाइप से केक रेडी है। अब हम थोड़ी तैयार है ना, दिखाना जरा फ्रेंड को। बोलो बोलो फ्रेंड, मेरा हैप्पी बर्थडे रेडी है। बोलो मोरिया मोरिया मोरिया। अच्छा बोलो बोलो फ्रेंड, मेरा हैप्पी बर्थडे रेडी है। अरे मेरा हैप्पी तैयार। ओहो, बीहू क्या करेगा अब? यम 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 यम। आज मेरा जन्म। आप आज आपका क्या है, कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छी है। बहुत अच्छी है। ओके, मैं को आता है, सॉफ्ट है। ओके, कितना सॉफ्ट बना है। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be. And to
हाय गाइस, तो जस्ट अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब हम सोने जा रहे हैं। तो बस इतना सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।